थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम भरथीपुर निवासी राहुल शर्मा की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो आइए देखते हैं संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। चांदा थाना क्षेत्र के पास छतौना कला जंगल में दिनांक 28/7/2022 को राहुल शर्मा निवासी भरथीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर का शव मिला था, जिसमें थाना स्थानीय पर मुकदमा आपराधिक संख्या 370/2022 धारा 364, 302, 201 भादवी पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी लंबुआ के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत संबंधित अभियुक्तों को अभिसूचना तंत्र विकसित करते हुए रेलवे क्रॉसिंग बरसड़ा के पास से अभियुक्त पिंटू उर्फ तेज बहादुर निवासी पुत्र मुनिराज तिवारी निवासी ग्राम गौरा थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर नंदलाल निषाद पुत्र राम अवध निषाद निवासी ग्राम छतौना कला थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर को हिरासत में ले लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पिंटू उर्फ तेज बहादुर निवासी उपरोक्त ने बताया कि भरथीपुर का रहने वाला राहुल शर्मा, जो कि काम तागंज बाजार में बभन गवा रोड पर बैंकिंग सेवा केंद्र का संचालन करता था, से मेरी कुछ दिनों से दोस्ती हो गई थी। राहुल शर्मा अक्सर मेरे साथ मेरी बहन के यहाँ आया जाया करता था, रुकता भी था। उसके द्वारा बैंकिंग सेवा केंद्र पर रोजाना किए जा रहे रुपयों के लेन देन से मेरी नीयत ख़राब होने लगी। मैंने योजना बनाया कि क्यों बहका करके इसकी हत्या का रुपया लूट ले। इसी योजना के तहत मैंने अपने साथी नंदलाल विषाद व संजय निषाद उर्फ सिपाही पुत्र सत्यनारायण निषाद निवासी ग्राम छतौना कला थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर के साथ मिलकर बहाने से राहुल शर्मा का उसके बैंकिंग सेवा केंद्र बभनगवा रोड कामतागंज से दिनांक 26/7/2022 को शाम बहका कर कामतागंज से राहुल शर्मा से हम दोनों चांदा थाना छतौना कला जंगल में एक अपता वीर बाबा के मंदिर के पीछे बांध के पास पहुँचे, जहाँ पर नंदलाल निषाद व संजय निषाद सिपाही जो शराब लेकर पहले से मौजूद थे, जहाँ पहुँचकर मैंने शराब कम पी किंतु राहुल शर्मा को अधिक पिलाई। जब वो अत्यधिक नशे में हो गया तब तो हम तीनों ने मिलकर बेल्ट व गमछे से उसका गला घोट कर राहुल शर्मा की हत्या कर दी और उसके पास मौजूद 90,000 रुपये तथा 9,000 रुपये दोनों मोबाइल ले लिए। रुपयों को हम तीनों ने बाद में बराबर बराबर आपस में बांट लिया। राहुल शर्मा की हत्या करने के बाद हम तीनों मौके से भाग निकले, उसके बाद अलग अलग हो गए। राहुल शर्मा की उसकी दोनों मोबाइल उसकी उसी रात में ही सुल्तानपुर से आगे लखनऊ रोड पर स्थित असरोगा टोला प्लाजा के निकट एक चाय की दुकान के पास चाबी सहित खड़ी करके उसके दोनों मोबाइल फ़ोन उसकी डिग्गी में रखकर इसलिए मौके से फरार हो गए कि लालच में आकर कोई व्यक्ति राहुल शर्मा की वह मोबाइल पा जाएगा तो राहुल शर्मा की हत्या के जुर्म में फंस जाएगा और हम लोग साफ साफ बच जाएंगे। अभियुक्त पिंटू ने बताया कि 1,800 रुपये बरामद किए गए हैं व राहुल शर्मा की हत्या उपरांत मिले 9,000 रुपये में मुझे बंटवारे में मिले 3,000 रुपये में से खर्च के बाद बचे हुए रुपये तथा अभियुक्त नंदलाल निषाद ने के पास से 1,300 रुपये बरामद हुए हैं।